रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। देखो तो ये रिकॉर्डिंग तुम लोग को, लेक्चर तो अपलोड होते ही हैं। तो अभी आगे स्टार्ट करें। न्यूलैंड ने क्या किया, देखो सुनो, इसने जो है 1865 में एट दैट टाइम जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उन सारे नॉन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। किसमें अरेंज किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। तो उसको मैं लिख रहा हूं, उसको नोट कर। न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट द एवरी एट्थ एलिमेंट had similar properties to the first element। मतलब अगर मैंने एक एलिमेंट को लिया तो उसके बाद आने वाला जो एट्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज आपस में कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। गॉट इट? अब इसको मैं दूंगा एक बना के दिखाता हूँ, फिर तुमको उसमें समझ में आएगा। स्टार्टिंग से मैं लिखता हूँ, उनको देखना तुम। तो इसने जो पहला एलिमेंट लिया था वो लिथियम लिया। उस समय जो नॉन एलिमेंट्स थे उन पे बात करी थी। तो लिथियम के बाद उस समय बेरिलियम था, वो भी नॉन था। हाइड्रोजन भी नहीं था क्या? नॉन नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं था ना। हाइड्रोजन नॉन था, बट एक्चुअली क्या था कि उसको यहाँ पे यूज नहीं किया। लिथियम से ही उन्होंने बोला कि अगर मैं अरेंज करता हूँ तब ऑब्जर्वेशन ही आता है। तो सबसे पहला एलिमेंट जो है वो लिथियम ही रखा है यहाँ पे, है ना। फर्स्ट जो एलिमेंट रखा वो लिथियम रखा, और बहुत सारे और भी एलिमेंट्स अननोन थे, जैसे इनर्ट गैसेस के बारे में उस समय तक कोई आइडिया नहीं था। तो ये इस तरीके से था, जैसे कि म्यूजिक में हम लोग देखते हैं ना, म्यूजिक जो है उसमें 8 नोट होते हैं, है ना। कितने नोट होते हैं? 8 नोट। 8 नोट, यस। तो हाँ, तो उनको ऑक्टेव्स बोलते हैं। तो सेम यहाँ पे जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी ना उसको उन्होंने कंपेयर कर दिया, एनालॉजी लगा दी म्यूजिक के अंदर। जो ऑक्टेव्स होते हैं 8 नोट होते हैं उनके, तो इसीलिए इसको भी बोलते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। तो देखो कैसे अरेंज किया था, उसको मैं लिखता हूँ। लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, कितने हुए बताओ यहाँ से यहाँ तक? 1 2 3 4 5 6 7 हुए कि नहीं? और जो 8th होगा वो कौन सा होगा बताओ फिर? सोडियम, क्योंकि उस समय नियॉन तो नोन नहीं था, और एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज भी नहीं कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं ये? एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास ना। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते तो लगता कि बीच में कुछ छूट रहा है, बट एटॉमिक मास में तो इसलिए नहीं पता चलेगा क्योंकि उसमें रेगुलरिटी नहीं होती है। एटॉमिक नंबर कैसे बढ़ते हैं? सिंगल वन का डिफरेंस होता है। अगर उसको तुम एक एपी मानते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो एक एक का डिफरेंस है ना, 1 2 3 4 5 ऐसा। लेकिन एटॉमिक मास में तो रेगुलर होता नहीं है, तो इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं हुई। जैसे लिथियम का 7 था और बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, और सोडियम का कितना था एटॉमिक वेट बताओ? 23। ऐसे ही यहाँ मैग्नीशियम आया, यहाँ एल्यूमिनियम आ गया, यहाँ सिलिकन आ गया, ये सारे नोन थे उस समय, और इनके एटॉमिक मासेस जो थे वो डायरेक्टली इसके नीचे आने लगे।
तो इन्होंने बोला कि मैंने अरेंज किया है एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है क्या, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटेंस आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स के बाद रिपीट हो रहा है, 7 एलिमेंट्स के बाद 8th जो एलिमेंट है वो सेम है। तो फर्स्ट एलिमेंट फिर क्या प्रॉपर्टी सेम है उनकी? फिर आपकी वॉइस फिर गई, ये अपने से 8वें के बाद ऐसे, ये सर आपकी वॉइस फिर गई। तो भी आठ सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा मैंने देखो यहां तक समझाया था तो समझ में आया ये सर आपने ये बोला कि 7-8 तक मिलते हैं सर, लेकिन मैं ये पूछ रहा था सर क्या प्रॉपर्टी सेम होती है, जैसे लिथियम और सोडियम में क्या प्रॉपर्टी सेम है? हेलो सर, दोनों ही वाटर के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन विद वाटर विद डेंसिटीज हैं उनमें भी एक रेगुलर पैटर्न है, रेगुलर पैटर्न होता है, समझ में आया? देखो आपकी नहीं आ रही है वॉइस, सर आ रही है वॉइस भी सेम हो, दोनों ही प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। बता रहा हूं कि प्रॉपर्टीज सेम होने का मतलब क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होना। मेरी आवाज? अच्छा आवाज है, और ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों सर फिर गई वॉइस, सर कट होकर आ रही है, और मैं उसको एंट्री दे दूंगा। ओके एंट्री उसको मिल जाएगी। अच्छा, नोट नहीं किया क्या अभी तक? नहीं सर, वो आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। स्क्रीन शेयर बंद हो गया, तो ये एक बार नोट कर लें इसकी डेफिनेशन, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल की डेफिनेशन को, और इसके जो एलिमेंट्स हैं इनके पैटर्न को एक बार नोट करें आप। यस सर। सर आप थोड़ा नीचे कर सकते हो क्या? हेलो सर, थोड़ा सा नीचे कर सकते हो? Yeah.
आगे बढ़ाएं। सर डन। किसी को और बहुत सारे बीच के जो है रूल्स हैं जो हमारे सर वॉइस फिर चली गई थी। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सबने नोट कर लिया है ना, तो ये बेसिक क्रोनोलॉजी हो गई। अभी जो मॉडर्न पे है उस पे हम लोग आते हैं, जो अभी सर कट हो रही आवाज सर, यस सर, बहुत इम्पोर्टेंट है इसे एग्जाम में संभाल लिया। फिर जा रही है सर, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। हेलो सर। अच्छा हेलो सर,
देखो, तो इस बार देखो जो है हम लोग ट्राई करते हैं कनेक्शन को जो है नया न्यू कनेक्शन के साथ ट्राई करते हैं हम लोग, देखते हैं कैसी सर एक बार ऊपर कर दो क्लास सर, जाती है। हाँ, इसको नोट नहीं किया था प्रथमेश के? अरे मेरा कनेक्शन चला गया था बीच में, मैं ड्रॉप आउट कहाँ कर से नोट दूँ। करना है प्रथमेश? हाँ सर इधर से। अच्छा, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल एक बार फिर से सुन लो, बाकी लोग जिनको कई बार साउंड की वजह से नहीं सुनाई दिया। देखो क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना म्यूजिक के अंदर जो है अलग अलग लैंग्वेज में है हाँ ना, सर, अलग सारे अलग गमा पा कल्चर ना। में। हाँ, अपने जैसे इंडिया में है सारे गामा पा धानी ऐसे करके कुछ होते हैं सेवन, तो ऐसे हर जगह पे होते हैं। इंग्लिश में भी हैं, अपने से अपने अलग अलग कंट्रीज के होते होंगे कल्चर के हिसाब से। तो इसमें क्या है, टोन्स होते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमने पीरियोडिसिटी देखी है ना, वो कैसे देखी कि जो एट्थ वाला एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेंगी। किसी भी एलिमेंट को उठाओ, उससे जो आठवें नंबर पे एलिमेंट आएगा उनकी आपस में प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। ठीक है, यही चीज मैं उसमें समझा रहा था। सर थोड़ा सा जैसे नीचे कर लो जैसे अपना क्या होता है कि एक कोई भी एक वीक ले लो, उसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर से मंडे वापस आता है आठवें दिन। तो ऐसे रिपीटेंस यहाँ पे भी है, बहुत ही सिस्टमेटिक रिपीटेंस हो रहा था इन्हें। तो ये आठवें दिन भले ही वो एलिमेंट सेम ना हो, लिथियम तो नहीं आ रहा है आठवें नंबर पे, लेकिन सोडियम आ रहा है, तो सोडियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिथियम से मैच करती। दोनों अल्कली मेटल्स हैं, दोनों वायलेंटली पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, दोनों ही के अंदर लस्टर है, दोनों सॉफ्ट मेटल्स हैं, दोनों मेटल्स जो हैं इनको हम लोग आसानी के साथ कट कर सकते हैं, बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत लो है, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी एक जैसी है। दिस इज कॉल्ड सिमिलर प्रॉपर्टीज, इसको ही हम क्या बोलते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज। जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम एक दूसरे से आठवें नंबर पे आते हैं, इनमें भी प्रॉपर्टीज सेम है। बेरिलियम और मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इन दोनों ही मेटल्स के अंदर हल्की सी हार्डनेस है अल्कली मेटल्स के रिस्पेक्टिव। बेरिलियम जो है ना वो लिथियम से थोड़ा सा हार्ड है, मैग्नीशियम जो है वो सोडियम से थोड़ा हार्ड होता है, इसको कट करने के लिए थोड़ा ज्यादा प्रेशर, थोड़े ज्यादा जो है शार्पनेस की जरूरत है। और साथ में क्या है कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है इनकी वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो डायमैग्नेटिक है। ये सब बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इनकी सेम होती हैं, इसलिए इनको एक ग्रुप में रखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी। लेकिन उस टाइम पे 1865 में है ना, अगर तुम अभी से देखो तो काफी सालों पहले, 155 ईयर्स आई थिंक ऐसा कुछ होगा, इतने सालों पहले ये काम हुआ था, न्यूलैंड ने ऐसा बोला। उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग हेलो जो है। सर, हाँ दक्ष बताओ। ड्रॉबैक्स इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे? वैसी ऐसी नॉन, आप जैसे 20 एलिमेंट्स तक देख पाए थे वो है ना, ओके मान सर, आप उसके आगे वो देख नहीं पाए, ड्रॉबैक्स हो गया ये। तो अभी ओके सर, ये जो अपना 12th लेवल है ना, इसमें ड्रॉबैक्स वगैरह और ये सारी चीजें हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है ओके कोई भी। सर, ये जो मैंने इसलिए पढ़ा दिया थोड़ा सा, ताकि थोड़ा क्रोनोलॉजी समझ में आ जाए। उसको भी आपकी नहीं वॉइस आता। फिर गई। हाँ सर अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि जो अपने एग्जाम है बोर्ड्स के, उसमें भी नहीं आता है, जैसे स्कूल वाले बोर्ड्स तो नहीं होगा 11th का, स्कूल यस सर, एग्जाम्स में नहीं आता है। तो अभी तो 11th अपना अलग है, 12th अलग है, तो 11th का जो एग्जाम स्कूल एग्जाम होता है उसमें नहीं आता, जेई मेंस नीट एडवांस किसी में नहीं आता है। हाँ, डो रे फा सो ऐसा कुछ प्रणों ने लिखा है, यस म्यूजिकल नोटेशन के जैसा था,
हाँ तो वही है, तो अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग होते हैं। फिर ये मॉडर्न पीरियोडिक ला जो कि बहुत वो इम्पोर्टेंट है। Li प्लस Na आपने लिखा था, वो रिएक्ट विथ वाटर विथ इवोल्यूशन, उसके आगे क्या लिखा? Li और Na दोनों, Li अलग है Na अलग है, दोनों ही रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन विद वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट काफी इवॉल्व होती है। जैसे यहाँ पे सोडियम है ना, सोडियम इसका छोटा सा इतना बड़ा है, 1 ग्राम का टुकड़ा ले लो और पानी ले लो 1 गिलास, 1 ग्लास वाटर में अगर इसको डाला तो बर्निंग के साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा फायर लग जाएगी, हल्के हल्के फायर होंगे, काफी हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये काफी ज्यादा ओके स्टाइलिश एक एक्सपेरिमेंट होता है, और इसको करने के लिए थोड़ा सेफ्टी भी जरूरी है। तो जो कोई बच्चे अगर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो पेरेंटल गाइडेंस होना चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि ये थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है कभी कभी, एकदम से चिटक जाता है ग्लास एंड फिजिकल बॉटल। सर एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं क्या? इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करवाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा वैसे पूछ रहा हूँ। इसका एक्सपेरिमेंट्स कोई कोई टीचर कराते हैं बच्चों को, जैसे आउटडोर में होता है ना, हाँ जी सर। आउटडोर में गए, एक जग पानी रख लिया और पैकेट से निकाल के पेपर पे लेके हल्का सोडियम डाला दूर से, और दूर से ही उसका एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके व्यूज पता चल गए कि कैसे ये उछल उछल के जलता है। जैसे यहाँ पे डाला ना तो पूरा ये इतना ज्यादा इसमें हीट होगा कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी इसको उछालेगी ऊपर, ये पूरा उछलता है और साथ में फायर भी लग जाती है। तो ये सब चीजें होती है इसमें। सर मतलब वो उसको बस पानी में डालते ही वैसे होता है? हाँ एकदम से एक्सप्लोजन हो जाता है, समझ रहे हो कि नहीं, अगर ज्यादा अमाउंट में डाल दिया तो आसपास एक्सप्लोजन कर देगा ये। सर हम लोग इसमें वो सिर्फ डिमिटर मेंडलीफ का पढ़ेंगे या फिर हेनरी मोजली का भी? नहीं वो सब कुछ इसमें नहीं, मोजलेज है, लोथर मेयर है, वो अपने सब हटा दिया है, उसकी अपने को कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है ना। तो मेंडलीफ वगैरह अच्छा सब ठीक। पुरानी बातें हैं, इस पे कुछ नहीं आता है। कहीं कुछ क्वेश्चन मिले तो मैं अलग से बता दूंगा तुम्हें, मान लो वो पेपर में तो नहीं आएगा, बट ऐसा होता है ना कोई बुक सॉल्व करो उसमें क्वेश्चन आ जाता है, हाँ सर। अब तुम वहां पे तो बोलोगे कि सर ये तो आ गया, तो वहां पे क्वेश्चन जो है डाउट समझा देंगे उसको। ठीक है सर, चलेगा। तो मोजले का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में उसका जरूरत पड़ेगा, तो चलो उसको मैं समझाता हूँ, हेनरी मोजले जो थे उनकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आज का है लॉ और इससे ही हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, तो याद रखें इसकी ये स्कूल शुरुआत के कहाँ से। सिलेबस में भी है ना? हाँ ये सब में है। एक्चुअली क्या हुआ था, अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, चाहे वो फिर हमारे प्राउड फिर वॉइस फिर गई आपकी। हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही। तो देखो ये हेनरी मोजले जो थे इनके लिए एक्सपेरिमेंट हुए, क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक्सरेज वाला वो मैं समझाऊंगा। तो हेनरी मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1813 में, देखो कितना डिफरेंस है, 1865 में उधर काम चल रहा था, वो काम जो है 1900 तक चला, काफी सालों बाद 1913 में ये बात पता चली कि जो हमारे पास एक्सरे स्पेक्ट्रम है, एक्सरेज जो एक बार है, रिपीट कर सकते हो? वॉइस चली गई थी मेरे यहाँ से। अच्छा, एक्सरे स्पेक्ट्रम पे बात कर रहा हूँ मैं, सुनो। स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं, जैसे कोई हैवी मेटल होता है ना, हैवी सर। हैवी एटम जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है ना, जैसे कि हमारा टंगस्टन हो गया, W इसको बोलते हैं,
या फिर हमारा जो है पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ऐसे कोई, अगर इन पे हम फास्ट मूविंग कोई इलेक्ट्रॉन्स डालें तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इनको हम एक्सरेज बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। इन्होंने हेनरी जो मोजले थे साइंटिस्ट, इनका नाम क्या था, हेनरी मोजले, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एक्सरे स्पेक्ट्रा है अलग अलग एटम्स का, अलग अलग एटम्स का जब एक्सरे स्पेक्ट्रम देखते हैं, जो यहाँ से रेज निकलती हैं, इनकी जो वेवलेंथ है या फिर इनकी जो एनर्जी है उसकी बारे में अगर बात करें तो, या फिर इनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें, वो एक्चुअल में एटॉमिक मास पे डिपेंड ना करके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये देखा कि जो एनर्जी ऑफ द ईएमआर है, एनर्जी एक्सरेज की जो है, एक्सरे तो सबने कराए होंगे ना, जैसे हम कभी, सबने नहीं सॉरी, कुछ लोगों ने कभी कि दूसरे का देखा होगा, घर में किसी का देखा होगा, तो एक्सरेज में क्या होता है, बहुत कम टाइम के लिए हमारे ऊपर पर्टिकुलर एक्सरेज जो है वो डाली जाती है और उसका एक इमेज हमको मिलता है। तो एक्सरेज जो है वो पेनिट्रेट करती है बॉडीज, बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको पेनिट्रेट करके निकल जाती हैं और उनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो बोन वाला जो एरिया है वहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ, जहाँ जहाँ एब्जॉर्ब जाता होता है वो हमको वहाँ पे कलर जो है वाइट उसका दिखता है, किसी का जो है थोड़ा सा ग्रे दिखता है, मतलब उसी तरीके के कलर होते हैं ब्लैक एंड वाइट पे, तो वो एक्सरेज से हम लोग देख पाते हैं। तो एक्सरेज हार्मफुल भी होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में अगर एक्सरे होगा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है, रेडिएशन होता है ना वो। तो हेनरी मोजले ने क्या देखा कि जो एक्सरे स्पेक्ट्रम में जो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी पता है क्या होती है, ये पढ़ा है सबने, ई एनर्जी है और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया और क्या देखा कि एच प्लैंक्स कांस्टेंट क्या, हाँ एच तो अपना प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये वाली क्वेश्चन याद है सर, याद है। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ न्यू है ना, वो जो था वो प्रोपोर्शनल था किसके, जेड के। जेड क्या था बताओ, एटॉमिक नंबर, और न्यू क्या थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज इमिटेड, एक्सरेज एमिटेड, जो एक्सरेज एमिट होती हैं ये उनकी फ्रीक्वेंसी के क्या था, प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पे एक नई थ्योरी आई, पहली बार किसी ने बोला कि जो प्रॉपर्टीज है, जैसे यहाँ एक्सरे भी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सरे की एनर्जी कितनी होगी, मेटल के टाइप पे, और वो मेटल का जो एटॉमिक नंबर है उसके क्या थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। जितना ज्यादा हम एटॉमिक मास बढ़ाते थे उतनी फ्रिक्वेंसी क्या होती थी, इंक्रीज। एटॉमिक मास से इसका कोई रिलेशन मोजले को नहीं मिला, तो मोजले ने ये प्रूव दिया प्रॉपर्टी है, जैसे फाइन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है एक्सरेज की, जो कि मेटल के ऊपर कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को डाल के निकलती है, उसकी जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी के, उसका स्क्वायर रूट अगर करें तो वो डायरेक्टली एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने पे वो बढ़ती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिखेंगे द एक्सरेज एमिटेड from the voice gayi aapki sir, hello sir, sir aapki voice chali gayi thi, hello sir, sir aapki voice baar baar ja rahi, डिफरेंट से जो एक्सरेज निकल रही हैं, तो लिखेंगे सर आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, तब से गई हुई थी सर। अच्छा, यहां तक जो बोला वो सब पूरा समझ में आया है? हां जी सर, कि वो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है। अब इसको हम लोग लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे द एक्सरेज एमिटेड फ्रॉम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है, ये
अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए द एक्सरेज एमिटेड फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स हैव फ्रीक्वेंसीज विच डिपेंड्स ओनली अपॉन दी एटॉमिक नंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव एटम. और अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या दिखाया कि जो स्क्वायर रूट ऑफ न्यू है वो प्रोपोर्शनल है जेड के. जेड क्या है बताओ बच्चों? एटॉमिक नंबर. इतना प्रूफ करके दिखाया. तो जब ये प्रूफ कर दिया मोजले ने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली कि फ्रीक्वेंसी या ऐसे कह दें कि जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं. जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं ना कि एटॉमिक मास पे. तो इसको जल्दी से नोट करें हेनरी मोजले वाला जो कॉन्सेप्ट है. तो ये सर ये सब मॉडर्न पीरियडिक लॉ में आता है क्या? हाँ ये पूरा मॉडर्न पीरियडिक लॉ है, यहीं से बना है. मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या है देखो मैं बता देता हूँ फिर लिखाएंगे बाद में. मॉडर्न पीरियडिक लॉ यही बोलता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. किसके पीरियडिक फंक्शन होते हैं बताओ? एटॉमिक नंबर के, ना कि उसकी एटॉमिक मास के. मतलब एटॉमिक नंबर एक पर्टिकुलर ये कह सकते हैं डिफरेंस के बाद, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद जब एक नया एलिमेंट आएगा तो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी. और ये किससे डिसाइड किया जाएगा? उनके एटॉमिक नंबर से. जैसे मान लो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3. और सोडियम का कितना है? 11. तो 3 to 11 में जो गैप है वो 8 का है. तो यहाँ पे जो एक्चुअल में इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रहे हैं वो एटॉमिक नंबर की वजह से. इसको और भी आगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझेंगे. अफ बाओ प्रिंसिपल जो पढ़ा था उससे समझेंगे. पहले इसको नोट करें क्या लिखना है. हेनरी मोजले का एक्सपेरिमेंट जो है वो ये है. फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, हाँ प्रथमेश वेरी गुड, बहुत अच्छे. किसी का नोट करना बचा है क्या? आगे बढ़ाएं. सर दो मिनट. तो इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो रूट न्यू जो है ये कितना आता है? ए टाइम्स जेड माइनस बी, वेयर ए और बी क्या है सर? कॉन्स्टेंट्स हैं, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, प्रैक्टिकल कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, प्री कॉन्स्टेंट्स हैं. और इनका जो ग्राफ आता है, ग्राफ अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं स्क्वायर रूट ऑफ न्यू वर्सेस Z का, तो अभी हमें पता है कि ये ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए टाइप का है. मतलब ये ग्राफ थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से स्टार्ट होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होता है, हल्का सा इधर से स्टार्ट होता है. लेकिन होता कैसा है? बिल्कुल ए और बी कांस्टेंट है ना आपने कहा. हाँ हाँ, उसकी वैल्यूज जो है वो अलग अलग कंडीशंस पे हमारी आएंगी, बट हम उनकी वैल्यूज को कोई भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं देंगे. हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं. सर वो कौन सी वैल्यू ए लेनी और कौन सी वैल्यू बी, वो हमें किसे समझेगा? नहीं, वो हमें वैल्यूज कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी दी नहीं होंगी. जो ए और बी जो है उनको हम स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट्स
या फिर शील्डिंग कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं, जो कि डिपेंड करता है कौन सा एटम है। ऐसा नहीं होता ना कि दोनों कोई भी एटम हो उसके लिए यही वैल्यू होंगी ना, हर एक एटम के लिए ए और बी की वैल्यू क्या होगी अलग, क्यों? क्योंकि हर एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। यस सर। लेकिन पूरी ओवरऑल वैल्यू को भी डालने पे जो हमारे पास ग्राफ आता है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। बोलो। यस सर। स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा ग्राफ आता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या है बताओ सर? एटॉमिक नंबर। आपको सब कुछ समझ में आया? तो जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी बारे में बात करेंगे। अच्छा आगे बढ़े, ये हमारे पास Z की वैल्यू जब बढ़ती है तो न्यू की वैल्यू बढ़ती है। अच्छा उसने मालूम है एटॉमिक मास पे भी ग्राफ बनाया था, कोई ऐसे भी तो बोल सकता है कि आप एटॉमिक मास पे बनाइए, तो उसने बनाया था। लेकिन जो ग्राफ था वो उसने सोचा ऐसा आएगा स्ट्रेट लाइन, बट ऐसा नहीं आया, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, बहुत रेंडम आया। कैसा आया ग्राफ बोलो? रैंडम। कैसा आया? रैंडम। और इसमें कैसा आया था बोलो बच्चों? स्ट्रेट सर। तो बताओ फिर किस पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं प्रॉपर्टीज स्मूथली? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड एक्सरेज भी बढ़ेंगी। समझ में आ गया ये? आगे बढ़ते हैं, तो याद रखेंगे इस ग्राफ को बनाना है तो बना सकते हो सर। वो अंडर रूट न्यू क्यू जेड, जेड के मतलब ये है प्रोपोर्शनल है। एक्चुअली अंडर रूट नहीं आया था बच्चे, आया था ऐसा, समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे। बट ऐसे ग्राफ को बनाना टफ हो जाएगा ना। कैसा ग्राफ आएगा ये? पैराबोला आएगा, अभी पढ़ा नहीं तुमने? तो ये इजी करने के लिए, इसको इजी करने के लिए उन्होंने किस पे ग्राफ बना लिया बोलो? रूट न्यू पे, है ना। भाई स्ट्रेट लाइन ज्यादा समझ में आता है कॉमन पीपल को, कॉमन पीपल को भी तो समझाना था। उस समय तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो जितना आसान रखोगे उतना ज्यादा लोगों को समझ में आएगा। ओके सर। तो फिर अगर न्यू को अंडर रूट से हटाए तो फिर तो सर पैराबोला में आएगा। तो वो तो हमको नहीं पढ़ना है, पैराबोला में आएगा तो वो तो एक मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बारे में नहीं पूछेगा, है ना। हमसे तो क्या पूछेगा, सिर्फ कि स्ट्रेट लाइन आता है कि नहीं आता है, क्या वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है क्या, बताओ। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या, कहाँ पे कट कर रहा है ये? कैसे बताओ? बताओ जहां पे ये कट कर रहा है, जहां पे ये कट कर रहा है जेड एक्सिस को, वहां पे रूट न्यू की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। भाई इस वाली लाइन पे, Z एक्सिस वाली लाइन पे, Z मतलब एटॉमिक नंबर, उस वाली लाइन पे रूट न्यू की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी कि नहीं होगी? होगी। ये पता है कि नहीं? ये X एक्सिस है और ये Y। X एक्सिस पे Y की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। भाई जहां X एक्सिस पे, इस एक्सिस पे अगर Y की वैल्यू देखें तो वो तो जीरो है। Y की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है ओरिजिन पे? जीरो कॉमा जीरो, है ना, X और Y दोनों। अगर इधर चलोगे तो क्या बढ़ेगा, x बढ़ेगा कि y, लेफ्ट और राइट? सर लेफ्ट। लेफ्ट या राइट चलो तो x की वैल्यू कम ज्यादा होगी ना, y पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? y की वैल्यू कितनी रहेगी बताओ? जीरो।
इतना मतलब पता है ना तुम लोग को, ये टेंथ में पढ़ा होगा? हाँ सर ये पढ़ा। चलो अब हम रूट न्यू की वैल्यू जीरो डालते हैं, रूट न्यू वैल्यू जीरो डालो कितना आएगा बताओ। तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी बोलो बच्चों? सर ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू हमें ये नहीं करना है कि कितनी रखनी है, इसके टर्म्स में बताना है जेड की वैल्यू कितनी आएगी। बी कैसे आई सर, मेरे को ये नहीं समझ आया सर। जीरो डालो इसमें, मैथ के सॉल्व करो, जीरो कैसे आई ये पता चला कि नहीं? जेड की वैल्यू बी आएगी। हाँ सॉल्व करके देखोगे जब। कहाँ पे भाई इस, ये इक्वेशन सबको समझ में आई ये वाली? यस सर यहाँ तक। मोजले ने अब रूट न्यू यहाँ पे जीरो होगा कि नहीं होगा इस एक्सिस पे? यस सर। अब उसकी वैल्यू जीरो डालनी भी तो पड़ेगी अगर होगी। यस सर। दिग्विजय वेरी गुड, दिग्विजय का भी बी आया और आर्यन का भी बी आया, वेरी गुड आर्यन। हाँ देखो तो जेड की वैल्यू बी कैसे आएगी, देखो जीरो वैल्यू डालेंगे रूट न्यू की, अब सॉल्व करोगे तो बी नहीं आएगा क्या? सर आ रहा है, आ गया ना? हाँ सर आ गया, वही कंफर्म करना। हाँ सर। सर लेकिन एजेड माइनस ए बी आएगा ना सर? हाँ तो एजेड माइनस ए बी आएगा। हाँ जी सर। उसके बाद दोनों साइड ले जाओ। अच्छा सर। हाँ जी। अरे एक्चुअली क्या होता है मैथमेटिक्स में, अगर कोई समझ गया सर, इस कांस्टेंट को सीधे हम जीरो में ले जाएंगे तो जीरो बाई ए हो जाएगा। समझ गया समझ गया, सॉरी सर मैं गलती कर गया। अच्छा ये सबको जिसको लिखना है वो लिख भी सकता है। तो ये क्या ओरिजिन से पास होता है? नहीं होता है ना, ओरिजिन से पास नहीं होता, नहीं। तो ये चीज याद रखनी है। ओके और बताओ ये वाली वैल्यू कितनी होगी फिर? कौन सी? अगर तो पूछ जाए इतनी वैल्यू कितनी होगी जहां पे ये कट कर रहा है, जहां पे ये इसको कट कर रहा है वाई एक्सिस को, ये तो वैल्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो जीरो। बी इसका क्या होगा? बी कमा जीरो। और ये नीचे कट कर रहा है यहाँ पे कितना होगा कोऑर्डिनेट बताओ? ये कट कर रहा है कि नहीं? जीरो जीरो तो ओरिजिन, यहाँ क्या होगा नीचे वाला वाई एक्सिस पे? तो बताओ वाई एक्सिस पे क्या जीरो होगा? जेड। वाई एक्सिस पे क्या जीरो होगा? जेड। जेड तो जेड की वैल्यू जीरो रखो कितना आएगा बताओ? माइनस ए बी। वेरी गुड, कितना आएगा? माइनस ए बी। तो ये वाला पॉइंट जो है वो कितना आएगा? जीरो कामा माइनस ए बी। समझ गए? तो ये इंटरसेप्ट कितना कटता है? ए बी का इंटरसेप्ट करता है। समझ में आया? ऐसे एक ग्राफ आएगा ऐसे, ये कितनी वैल्यू होगी? ए बी। ये वाला कितना होगा कोऑर्डिनेट? बी कामा जीरो। इसको भी ड्रॉ कर लो एक साथ। तो कभी कभी ऐसे पूछ सकते हैं क्योंकि हेनरीज लॉ जो मोजलेज लॉ है इस पे बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ज्यादातर मोजले पे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं क्योंकि मोजले प्रैक्टिकल डेटा है, प्रैक्टिकल डेटा पे क्वेश्चन पूछने के लिए कोई बनता नहीं है तो इसलिए वो पूछते नहीं है भाई। उनको ए बी की वैल्यू देनी पड़ेगी तब तुम फिर सॉल्व करोगे। और अगर कोई बताओ प्रैक्टिकल वैल्यू हो तो क्या वो एक दो तीन आती है क्या प्रैक्टिकल वैल्यू बताओ? पहले नहीं आती है ना वो, तो अजीब सी वैल्यू आएंगी, जीरो पॉइंट कुछ आ गया तो फिर वो सॉल्व करना काफी टफ हो जाएगा, इसलिए वो देते नहीं है क्वेश्चन। समझ रहे हो? यस सर। ये चीज तो इसको नोट कर लें। फिर थोड़ा नीचे वाला ग्राफ दिखा सकते हो? हाँ देखो ये वाला ग्राफ भी ले, नोट करें, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है ये। सबने नोट कर लिया था?
कोई बचा है क्या? एनी रिमेनिंग? आगे बढ़ाए ना, चलो और अच्छा अब लिखेंगे हम लोग मॉडर्न पीरियाडिक लॉ। तो क्या लिखेंगे इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इसको याद रख लेंगे तो एक लॉ तुम्हारा याद हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं आगे सब इस लॉ पे ही बनाई गई हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो सारी की सारी पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक नंबर्स के। मतलब एटॉमिक नंबर्स में ट्रेंड होता है, एटॉमिक मास में ट्रेंड नहीं होता है, और ये जो लॉ है ये फेल नहीं होता है, ये हर जगह पे लगता है। सर इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? अभी तो इस पे आप आगे भी बहुत सारे बात करनी है, अभी थ्योरेटिकल चलेगा। ये चैप्टर जो है थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ना, किसका है बोलो प्रथमेश? ये हां सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें थ्योरेटिकल रहता है, फिर भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हां क्वेश्चन तो बनते हैं, लेकिन बात है ना जो ज्यादा थ्योरी हो जाएगी ना तो एक क्वेश्चन कुछ बन पाएगा। अभी इस पे क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं, है ना। ये पूछ सकते हैं मोजले का ग्राफ दे दिया और पूछ दिया कि जो इंटरसेप्ट है वो कितना है, तो ए बी होता है, कितना होता है वो AB. बोलो AB. याद रखना, सॉरी बस तो, इससे ज्यादा नहीं पूछते। ये स्लोप पूछेंगे कितना होगा बताओ सर, मतलब वो ग्राफ में ए बी है ना, वैसे उसके एक्चुअल वैल्यू तो माइनस ए बी है। हाँ नहीं नहीं इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये वैल्यू, और हाँ, अगर ये पूछ रहे कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा तो बताओ क्या होगा, माइनस है भी, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे है ना, ये ऊपर हाँ, जो है, नहीं मैं वही बोल रहा था सर कि वो माइनस हाँ, में ए भी होगा। नहीं इंटरसेप्ट अगर लिखेंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे ही इंटरसेप्ट वो लिखेंगे व्हाट इज द इंटरसेप्ट एट द वाई एक्सिस, तो वो ए भी ही वैल्यू बतानी है। अच्छा ये बताओ मुझे इसका स्लोप कितना आएगा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? ये फॉर्मूला है तुम्हारे सामने, बोलो स्लोप कितना है इसका, कैसे स्लोप निकालते हो बताओ? इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, वेरी गुड, स्लोप है कितना ए। इसको कंपेयर करो वाई और z एक्सिस, x एक्सिस पे बनाइए ना, ये है m, ये है x और ये है क्या इंटरसेप्ट। कितने लोग ने कंपेयर करके, m क्या होता है बोलो, m क्या होता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। कितनी वैल्यू आ रही है इसकी बताओ, यहां से a कितनी वैल्यू आ रही है, a स्लोप कितना तो, होगा बोलो बच्चों? हाँ वेरी गुड, हाँ अच्छा, जिसको ये चीज नहीं समझिए वो फिर से देखेगा। जैसे कोई अगर ग्राफ है yes, y plus c टाइप का है ना, और इसका स्लोप m जो है वो पॉजिटिव दिया है और c की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो y इज टू mx plus c का ग्राफ जो है वो ऐसे बनता है। ये वैल्यू कितनी होती बताओ, c, और इसका जो स्लोप है, स्लोप का मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, किस डायरेक्शन में बताओ, एंटी क्लॉकवाइज, कितना एंगल है बताओ, ये टेन थीटा अगर है, थीटा अगर है ये एंगल, तो इसका जो स्लोप होता है m, उसको बोलते हैं टेन थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होती है m, तो यही हमें वैल्यू
दी होती है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में। मान लो अगर किसी जगह पे ऐसा लिखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, तो बताओ m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2। c की वैल्यू कितनी, 4। समझ में, कंपेरिजन करना है। मतलब हम कैसे भी हमको ग्राफ दिया हो, जैसे ऊपर वाला जो दिया था ऐसा दिया था कि नहीं, अब इसको किससे कंपेयर करना है हमको, इस लाइन से। इस लाइन से कंपेयर करने के लिए देखना पड़ेगा y एक्सिस पे किस टर्म को लिया था, बताओ, रूट न्यू, याद है, और z एक्सिस x पे लिया था, तो हमको ऐसे बनाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। तो इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, ऐसे आएगा कि नहीं बताओ, मल्टीप्लाई करने के बाद में। यस सर। अब ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, ab। यस सर, कांस्टेंट होता है, तो कंपेयर करो रूट न्यू की वैल्यू कितनी आएगी, y आएगी, a क्या है, m, स्लोप है सर, स्लोप क्या है यहाँ पे, माइनस ab, नेगेटिव वाला, प्लस साइन लगा के लिखना है, लेकिन c की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, यहाँ पे वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव होता है, स्लोप अगर नेगेटिव होता है ना, तो ऐसे ग्राफ आता है, अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो ऐसे ग्राफ आता है। ये ग्राफ फिजिक्स में भी तो पढ़े होंगे, फिजिक्स में नहीं पढ़ाएंगे क्या ग्राफ, शायद पढ़ाएंगे होंगे, जब वो 1D 2D पढ़ा है क्या, अभी वन डायमेंशनल मोशन पढ़ा है, यस सर, उसमें आया था ग्राफ क्या, हाँ सर, हाँ, थोड़ा सा सर ने बताया था, आइडिया दिया। एक्चुअली फिजिक्स में ग्राफ ज्यादा ही होते हैं ना, हाँ सर, मतलब ऐसे वाली इक्वेशन पढ़ी ना, ऐसा हाँ, कुछ सर, पढ़ी है, अभी हाँ, इसके ग्राफ बनते हैं, तो काफी ज्यादा ग्राफ होते हैं उसमें, तो इसीलिए ये पढ़ा होना चाहिए तुम लोग का, थोड़ा आइडिया तो दे दिया मैंने, इसमें काम चल जाएगा तुम्हारा, हाँ सर, ऐसे बताए सर ने बहुत सारे, हाँ ऐसे बताए हैं, बस वही याद रखने, उसको रिवाइज नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे, तो फिजिक्स की बुक से रिवाइज करो, क्योंकि अब फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, और फिर स्लोप तो अभी याद हो गए, हाँ, तो बार बार जो लिखा है, मैंने भी जो बच्चे उसमें आए थे ना उनको पढ़ाया है, किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कितने लोगों ने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये y इक्वल टू mx प्लस c, किसको किसको याद है सर, ये क्या फोटो इलेक्ट्रिक, वो मतलब कौन सा, ये होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता है, पुराने बच्चे जो है उन्होंने पढ़ा है इसको, तुम्हारी बैच में, तो बहुत सारे बच्चों को मैंने सब सिखाया था, तो उन्होंने पढ़ा है ये, बाकी तुमको आज सिखा दिए, कैसी है, क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, कैसी लाइन, स्ट्रेट लाइन, और ये वाली लाइन कैसी होती बताओ, y इक्वल टू mx, बोलो कौन बताएगा, वापस रिपीट कर सकते हो, क्या बोला, मैंने बोला कि वो स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाली लिखा भी तो है, कौन सी लाइन है ये, z, स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन है, अब ये वाली लाइन कैसी होगी बताओ, y इक्वल टू mx, ये भी स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन इसमें क्या है, लाइन ही होगी पर ओरिजिन से पास होगी ना, हाँ वेरी गुड, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, समझ में आया, स्लोप कितना होगा बताओ इस लाइन का, स्लोप कितना होगा बोलो बच्चों, अभी तुम लोग बताओ जो नए वाले हैं, अभी जिनको सिखाया है, स्लोप कितना होगा, स्लोप कहाँ पे लिखा होता है, x के मल्टीपल में, कहाँ लिखा होता है, x के मल्टीपल में, जैसे अभी बताया ना y इक्वल टू mx प्लस c, तो स्लोप कौन सा वाला होता है, x के जो, हाँ सर, पर इसमें तो 1 होना चाहिए ना, क्योंकि y इज इक्वल टू x प्लस c, तो फिर x के आगे इंटीजर कोई नहीं है, मतलब तो 1 ही हुआ ना सर, कहाँ पे इंटीजर नहीं, मैं तो लिखा ना m, ओके सर, वो क्वेश्चन के साथ है, हाँ ओके सर, समझ गया समझ गया, मान लो अगर ऐसे लिखा होता मैंने ऐसा, तो बताओ कैसी लाइन बनेगी, तो फिर सर स्लोप तो 1 आता ना, हाँ तो कितना एंगल होगा फिर ये बताओ, 45 होगा सर, 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये y और ये x, ये 45 डिग्री के एंगल पे ये आएगा, समझ रहे हो, तो ये सारा फिजिक्स में
थोड़ा सा पढ़ाया जाता है क्योंकि जरूरत पड़ता है, केमिस्ट्री में कम जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी अभी तो इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि जरूरत है ही नहीं है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने ज्यादा पढ़ा दिया था, उसमें जरूरत पड़ा था, तो रिवीजन वाली जो क्लासेस जिनकी लगेंगी उनको एक बार फिर से पढ़ने को मिलेगा। बाकी है आसान, कंपेयर ही तो करना है, तो कंपेयर करना सीख गए? यस सर। यस सर। किसी को नोट करना है क्या ऊपर का कुछ भी या आगे बढ़े? क्या होता है मॉडर्न पीरियडिक लॉ? आगे बढ़ते हैं सर। हो मॉडर्न पीरियडिक लॉ ये होता है जो हमारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो क्या होती हैं, एटॉमिक नंबर, फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। हाँ वेरी गुड, इतना याद रखोगे तो काम चलेगा। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करूं तुमको, तो तुम उसके अंदर एक पैटर्न देखोगे। चलो हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोलते हैं तुमको, लिथियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो अफबाओ प्रिंसिपल से। बताओ क्या लिथियम के लिए अफबाओ प्रिंसिपल वैलिड है? वैलिड है क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। सोडियम का लिखो और पोटेशियम का लिखो, तीन का लिखना है। अब देखते हैं कितने लोग नोट कर पाएंगे और कितने लोग लिख पाएंगे। सर एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? हाँ, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आया लिथियम का? आपको चैट बॉक्स में लिख के भेजना है। हाँ देखो, 1s2 2s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. इसके लास्ट शेल में, लास्ट सब शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी देखो, क्या कोई सिमिलरिटी लग रही है कि नहीं? इज देयर एनी सिमिलरिटी? बोलो। यस सर, सब शेल में से एक इलेक्ट्रॉन है। सर सब शेल भी ऐसे? हाँ, तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके पहले क्या है बताओ, ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? यस सर। इनर्ट गैस सर भी नहीं? यस, सिर्फ एक में ड्यूप्लेट कंप्लीट है लिथियम में। आप फिर भी वो इनर्ट गैस ही है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हीलियम 2s1, इसको क्या लिख सकते हो? नियॉन 3s1, नियॉन 3s, इसको क्या लिख सकते हैं? AR4s1, आर्गन 4s1। इसका मतलब क्या है, अंदर जो शेल है उसके अंदर ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है, सब शेल कंप्लीटली फिल्ड है और साथ में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे पोटेशियम के अंदर डी खाली है, लेकिन 3p6 तक ही आर्गन का हो जाता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल क्या आएगा? वैलेंस शेल कौन सी है बताओ? वैलेंस शेल कौन सी वाली होती है? लास्ट वाली? लास्ट है, इसमें 2 है, इसमें 3, इसमें 4। तो वैलेंस शेल को n से लिखते हैं हम लोग। किसे लिखते हैं? n से। तो लास्ट में क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है? ns1। तो ये याद रखना है। तो ये इसलिए सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं बिकॉज इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है? सिमिलर। ये एक्चुअल रीजन है क्योंकि बताओ केमिकल बॉन्ड्स कौन बनाते हैं? प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन शो करेगा, कौन उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स, है ना? इलेक्ट्रॉन्स,
तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से कैसा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर किसी चीज में इलेक्ट्रॉन एक सिमिलर पैटर्न पे फिल हो तो उनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी? आपस में सिमिलर होंगी, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको नोट कर लें जल्दी से। सो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इन तीनों को अप्लाई होता है? नहीं, उसके नीचे भी सबका सेम होता है। मैं तीन का ही लिया है। ये अल्कली मेटल्स हैं। ये कौन से वाले मेटल्स हैं? अल्कली मेटल्स। ऐसे तुम किसी का भी ले लो। मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। फ्लोरीन कितना होता है बताओ, बोलो। 1s2 2s2 2p5। हाँ, ऐसे बताओ अगर उसके नीचे क्लोरीन आता है 17, उसका बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। हाँ, तो अब इनमें बताओ, वैलेंस शेल इसमें सेकंड है, इसमें थर्ड है, और इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है पी सब शेल में? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। पांच। जनरल क्या होगा इस np5? np5। इनकी भी प्रॉपर्टीज आपस में कैसी होंगी पूरे ग्रुप की? सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टीज। इनको एक साथ क्या बोलते हैं? ग्रुप हैलोजन 17 एलिमेंट्स। हाँ, इनको और क्या बोलते हैं? हैलोजन्स। क्या क्या नाम होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब सर जो सॉल्ट्स बनाने में यूज होते हैं, वही होते हैं ना? सॉल्ट्स ज्यादा फ्लोरीन। हाँ, इनके सॉल्ट्स ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे NaCl हो गया, NaBr हो गया। इसलिए ग्रीक्स ने, जो ग्रीक लोग थे पुराने जमाने के, उन्होंने इसको हैलोजन बोला, क्योंकि ग्रीक्स में हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो एक नाम चला आ रहा है, वही यूज किया जाता है। तो सबने समझा? एक मिनट, स्लाइड ऊपर। हाँ, यही है क्या हिमांश? यस सर। जब नोट हो जाए बताना। गुड। देखो, तो अब हमें एक बात समझ में आई कि एटॉमिक नंबर तो ऊपर की बात है, लेकिन डीप में जाने पे एक्चुअल में किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो लिखेंगे, इन फैक्ट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, इज बेस्ड ऑन, इज बेस्ड ऑन द, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिख सकते हो, टेबल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their electronic configuration. किसके हैं बताओ ये? electronic कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एटॉमिक नंबर जरूरत पड़ता है कि एटॉमिक मास? जल्दी से बताना। एटॉमिक नंबर। हाँ, तो एटॉमिक नंबर पहले लोगों को लगा, तो लोग समझ नहीं पाए कि एटॉमिक नंबर से कैसे होता है। फिर उन्होंने और डीप जो है उसका स्टडी किया,
फाइनली उन्हें पता चला कि एक्चुअल में ये सब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है. दीज पर्टिकुलर जो भी प्रॉपर्टीज के अंदर सिमिलरिटी है ये किसकी वजह से है, दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. तो बॉन्डिंग में हमने पढ़ाया है बोर्ड्स में और स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि केमिकल बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस की इनर वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो वहीं से ये सारा मामला समझ में आ गया कि मोज़ली ने एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें ऐसा क्यों आया था, उसका यहाँ पे प्रूफ मिल गया. और फिर अब तो ये वेल नोन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती है, बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. तो इतना याद रखना है. तो इसी से हमने बनाई लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. क्या बनाई? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. किस पे, किस बेसिस पे अरेंज किया है बताओ. किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. और उससे मतलब किस पे बेस्ड है वो? सिमिलर कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. हाँ, तो ये है डेटा जो तुम्हें याद रखना है. अब वो कैसी दिखती है, जो बुक्स में, जिनके पास बुक है वो उसमें देखें, एनसीईआरटी में है, और जिनके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है वो कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लें. ज़ील की जो बुक मिली उसमें भी बनाई हुई है नोट, जो मिली है मॉड्यूल, मेडिकल में भी बनी हुई है, दोनों में बनी है. मेडिकल वाले में तो स्टार्टिंग में शायद या लास्ट में कहीं पर बनी है. तो इसमें सबसे जो पहला ग्रुप बनाया ना, इसको कैसे बनाया है वो हम आगे बताने वाले हैं. इनको कॉलम्स में और ग्रुप्स में बांटा है. हॉरिजेंटल जो लाइंस हैं, ऐसी हॉरिजेंटल जो लाइंस हैं इनको हमने क्या बोला है बताओ? पीरियड्स. और जो कॉलम्स हैं इस तरीके से, ग्रुप्स. इस कॉलम्स को हमने क्या बोला? जैसे ये कॉलम नंबर, ये कॉलम नंबर टू. ऐसे जो कॉलम्स हैं, हाँ अभी कर रहा हूँ, ये कॉलम वन, ये कॉलम टू, इन कॉलम्स को क्या बोला बताओ? ग्रुप्स. इनको क्या बोला गया? ग्रुप्स. और मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ये मिला के कितने टोटल हैं बताओ? 18 ग्रुप्स हैं. 118. नहीं नहीं, वो तो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप. हाँ सर, हाँ सर. और पीरियड्स कितने बताओ? 7 पीरियड्स हैं. ऐसे करके कितने पीरियड्स हैं? 7 हॉरिजेंटल, हाँ 7 हॉरिजेंटल लाइंस, दैट इज कॉल्ड पीरियड्स. इनको बोलते हैं पीरियड्स. एंड 18 वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल ही होते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड, बोलो क्या बोलते हैं उनको? ग्रुप्स. तो ये चीज होती है. अच्छा बताओ, जो पहला ग्रुप है उसमें किसको रखा है? अल्कली मेटल्स. हाँ, अल्कली मेटल्स जो है उनको रखा है. अल्कली मेटल्स को इसके अंदर पुट किया गया है. और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को बिल्कुल अलग स्पेस दिया है, इसको बिल्कुल टॉप पे रखा गया, अलग रखा गया है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो? 1. इसको सबसे अलग रख दिया, बोला कि तुमको बिल्कुल अलग रखा जाता है क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टीज बहुत लोगों से मैच करती हैं, तो तुमको एकदम अलग रखते हैं. ठीक है. अच्छा, फिर यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 1 है उसके पीरियड 2 से स्टार्ट होता है लिथियम, और उसके नीचे क्या आता है बताओ? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और उसके बाद फ्रांसियम. तो हाइड्रोजन को पहले जमाने में यहीं पर रखते थे, आज के कुछ साल पहले, 30-40 साल पहले. लेकिन अभी हाइड्रोजन को कहाँ रख दिया बताओ? सेपरेट प्लेस. कहाँ रख दिया? सेपरेट प्लेस.
तो इसको याद करने के लिए तुमको कैसे याद रखोगे, तो इसके लिए धीरे धीरे चीजों को बताएंगे हम, इसके लिए नेमोनिक्स तुमको मिल सकते हैं, बट जो मुझे याद है वो भी मैं तुमको बताऊंगा, जिनको जो है उससे याद करना है वो याद कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नेमोनिक्स वगैरह से नहीं याद करते, डायरेक्ट याद कर लेते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे याद रखते हैं वो, तो वो भी एक तरीका है। फिर यहाँ दूसरा जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं बताओ, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और बताओ स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ये आते हैं। उसके बाद यहाँ पे बीच में डी ब्लॉक आता है, कौन सा ब्लॉक आता है बताओ, डी ब्लॉक, यहाँ तक, तो इसको हम बाद में पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, सुनते रहना। और इधर यहाँ पे फिर से डी ब्लॉक जो हमारा है वो खत्म हो जाता है, और यहाँ पे 13th ग्रुप स्टार्ट होता है, कौन सा ग्रुप स्टार्ट होता है बोलो, 13। सर ये पीरियोडिक टेबल नोटबुक में बनाना है, हाँ ये बनाना है नोटबुक में, नहीं समझ लो बनाना है, थोड़ा बहुत बना सकते हो, एक आइडिया दे रहा हूँ मैं, समझ लेना, जरूरी नहीं कि इसको ड्रॉ करो, एक आइडिया है। फिर 13th ग्रुप आता है, उसके बाद बताओ कहाँ तक ग्रुप आएंगे बोलो, 18 तक ना, हाँ ऐसे करके 16, 17 और 18, ऐसे पूरे ग्रुप्स जो है वो आते जाते हैं। और इधर वाले जो एलिमेंट्स हैं, इधर वाले जो एलिमेंट्स 13 से, इनको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक, इनको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, 13 से जो आते हैं इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, ये पूरा पी ब्लॉक है। और यहाँ जो था पहला वाला, ये कौन सा ब्लॉक था, ये वाला एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है बताओ, दो। और यहाँ पे बताओ पी ब्लॉक में कितने ग्रुप है बताओ, 5, 10 ना सर, कितने ग्रुप्स हैं, 10 सर, ये तो वैसे ही यूज हो गया ना जैसे हमने अभी पढ़ाया था आपने। हेलो सर, सर आवाज नहीं आ रहा, हाँ बोलो, हाँ क्या बोल रहे तुम लोग बोलो, बोले सर मैं बोल रहा था ये तो अभी आपने पीछे वही पढ़ाया था, वही प्रॉपर्टी यूज होगी ना, डी ब्लॉक में 10 वो होते हैं, हाँ उसी के हिसाब से ही आया है वो, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैसे ही तो लिख रहे हो तो वैसे ही आएगा अभी, है ना। तो ये 13, 14, 15, 16, 17, 18 कितने हुए टोटल, 6, तो 6 इसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप, डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं, 10 ग्रुप्स है बच्चे, देखो कितने ग्रुप्स हैं, 10 कहां से लेके कहां तक, 13 to 12, तुम केवल डिफरेंस ले रहे हो ना, 3 को भी तो गिनना पड़ेगा, 12 माइनस 3 9 हुआ, बट 3 को भी गिनोगे जाएंगे, समझे कि नहीं, यस सर। फिर पी ब्लॉक कहां, 18 तक कहां तक चलता है पी ब्लॉक, 13 से 18 तक, 18 हां ओके सर, एफ ब्लॉक में कितने होंगे, इसमें एफ में, एफ ब्लॉक तो भरा ही नहीं है, एफ ब्लॉक में तो हमारे पास एलिमेंट ही नहीं है, हम क्या करें, ए ब्लॉक तो बहुत छोटा पड़ जाता है, ए ब्लॉक में कितने होने चाहिए बताओ, टोटल 14, कितने होने चाहिए, 14 लेकिन उसके अंदर जितने भी हमारे पास नोन हैं, कुछ सिंथेटिक भी हैं, सर शायद आपका आवाज चलेगा, हाँ तो बोला ना मैंने एफ ब्लॉक को कहाँ रखा गया है वो तो बताओ, नीचे रखा गया है, कहाँ रखा गया है, बॉटम पे रखा गया है, तो क्या बोलते हैं, बॉटम, इसमें एफ ब्लॉक है, क्या है इसमें, एफ ब्लॉक, अच्छा एफ ब्लॉक, ग्रुप्स कितने होने चाहिए पर इसमें, उसको अलग ग्रुप नहीं बनाया बच्चे, उसको जो है ना डी ब्लॉक में, उसको थ्री जो ग्रुप नंबर 3 है उसमें, हाँ सर यहाँ जो डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक उसका निकल के, हाँ सर वो बॉटम 2 वाले, हाँ सर यहाँ से उठा के रखते हैं इसको नीचे, यहीं से उठा के ऐसे, पता है सर, आगे पढ़ाया जाएगा, अभी हमारा मेन फोकस रहना चाहिए
केवल इस पे कि सर थोड़ा हमारे पास क्या क्या सुविधा है, क्या क्या हमारे पास ग्रुप्स हैं, ब्लॉक्स हैं, कितने बताओ ग्रुप होते हैं, जल्दी बताओ। 18 कितने हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं? 4 बोलो क्या सर? 4 ब्लॉक्स, वेरी गुड, 4 ब्लॉक्स। अच्छा यस सर, तो ये नोट कर लें सर। एसपीडी और एफ आर। हाँ एसपीडीएफ सर, लेकिन एफ को तो अभी यूज में नहीं आएगा ना हमारा, वो अलग से पढ़ाएंगे, अभी यूज नहीं कराएंगे उसका, अलग से पढ़ा देंगे उसको। ओके सर। लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स तो हमें अच्छा प्रथमेश में बोल रहा हूँ कि नोट करना है, तो ये नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। सर हो सके तो स्लाइड्स भी शेयर कर देना इसको, किस हाँ स्लाइड्स वगैरह शेयर कर देता हूँ। चलो थैंक यू सर। कौन नोट कर रहा है अभी? सर आप पीडीएफ भेजने वाले थे बुक की? कब है सर? संडे को ही है। नीट तो सर थोड़ा सा नीट वाले वेडनेसडे तक दे दें। ओके सर, नीट वाले अपना वेडनेसडे तक कर लेना। हाँ सर हो जाएगा। चलो मैं अभी ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ। ओके चलो बाय सर। और सैटरडे को सर गए? हाँ सैटरडे को रिवीजन लेक्चर सुबह। वो अपने टाइमिंग्स दिए हैं क्या? नहीं सर सुबह देंगे ऐसे सर बोले। लेकिन सैटरडे को अब शायद फिजिक्स की भी डाउट क्लास होगी। हाँ सर से बात करनी पड़ेगी। नहीं तो सर कह रहे थे कि जब केमिस्ट्री की डाउट क्लास होगी उसमें रिवीजन होगा आई गेस। पर नीट के अभी एग्जाम है ना संडे को, तो फिर सैटरडे को हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन उस दिन फिर क्लासेस भी ओवरऑल बहुत ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि स्कूल ट्यूशन की भी, फिर फिजिक्स की भी, मैथ्स की भी होगी डाउट, और फिर केमिस्ट्री भी, मोर देन 10-12 आवर्स की क्लासेस हो जाएंगी। अमन सर से एक बार देखना पड़ेगा बात करके। हां नहीं तो कल एक है लेक्चर फिजिक्स का, पीएस लेक्चर, एडजस्ट कर लेंगे। कल फिजिक्स का नहीं, आई गेस मैथ्स का है। ओके पता नहीं, मैंने नहीं देखा। पर कल कौन सा तो पीएस लेक्चर था? हाँ मैथ्स का है कल। मैं भी वही चेक कर रहा मैथ्स। तो या तो सर को बोलते हैं कि एक बार सैटरडे की जगह नेक्स्ट वीक रख ले, मतलब वो नेक्स्ट वीक के डाउट लेक्चर, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री की भी और मैथ्स की भी है। हाँ तो सर केमिस्ट्री की सुबह रखेंगे तो मैथ्स की भी डाउट लेक्चर है, तो फिर 3-3 क्लासेस एक्स्ट्रा हो जाएंगी। शायद बायोलॉजी की क्लास अभी नहीं होगी क्योंकि रिवीजन लेक्चर तो खत्म हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो फिर अगर 10:30 से पहले रखे तो फिर ठीक है, हो सकता है शायद। ओके देखते हैं सर से पूछते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास मैथ्स की है फिजिक्स? फिजिक्स है शायद। फिजिक्स है। फिजिक्स ओके।